नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों चिकित्सा विभाग की 5 बड़ी भर्तियों को लेकर के। दोस्तों काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया हो, फॉर्म पेंडिंग रह गया हो, इंटर्नशिप के मार्क्स नहीं जुड़े हो, कोविड के ऑप्शन में आपने त्रुटि की हो या अन्य कोई मार्क्स भरने में आपने कोई भी त्रुटि की हो, तो उन सबको जो है दोबारा से मौका दिया गया है। समझ में आपको आ रहा है? डीवी लिस्ट जारी हो गई है और आपका नाम नहीं आ रहा है, आपकी प्रतिशत ज्यादा है फिर भी आपका नाम नहीं आ रहा है, आपका फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा था, इंटर्नशिप के जो है मार्क्स आपने एड आपके जुड़े नहीं, या कोविड के ऑप्शन में आपसे कोई त्रुटि रह गई हो, या अन्य कोई मार्क्स जो है आपको भरना था लेकिन आप भर नहीं पाए, उन सभी में जो है आप अब जो है त्रुटि संशोधन कर सकते हो, परिवेदना दे सकते हो। हाईकोर्ट का आदेश आया है तो सीपू ने जो है अब आपको एक और मौका दिया है, फाइनल मौका दिया है। और इसी के लिए अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उनको कुछ भी नहीं करना, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनको कुछ भी नहीं करना। अनुभव के ऑप्शन में नो यस हो गया हो या कुछ गलती हो गई हो उसको लेकर के, जिन्होंने कोविड में काम किया अनुभव नहीं लगाया है वो लगा सकते हैं क्या? तो परिवेदना दे सकते हैं आप। आपको जो भी समस्या आप समस्या थी, आप सीपू में जा रहे थे वहां पे आप 103 नंबर कमरे में जाकर के आप जो है ऑफलाइन जो है परिवेदना दे रहे थे, उस परिवेदना को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। ये आपका लास्ट मौका है, 25 तारीख से प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। काफी बच्चों की ये समस्या है कि सीफू के पोर्टल से जो है ओटीपी प्राप्त हो रहा है तो उनके टेंशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओटीपी का डरे नहीं, बिल्कुल मस्त रहे, ओटीपी सबको आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख सकते हो ये कुछ तस्वीरें है, इसमें यहाँ पे जो है सियाराम जी डोडवारिया है और यहाँ पे जो है इनकी टीम है, इन्होंने जो है सुप्रा सिंह जी जो मैडम है उनको जो है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 और अन्य की जो है प्रोविजनल लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने को लेकर के इन्होंने जो है परिवेदना दी है, ज्ञापन दिया है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए राजस्थान सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति, सियाराम जी डोडवारिया प्रदेशाध्यक्ष, इन्होंने जो है आदरणीय श्रीमती सुप्रा सिंह जी अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, विषय आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 की प्रोविजनल सूची जल्द जारी कर आचार संहिता से पहले नियुक्ति देने बाबत इन्होंने जो है सुप्रा सिंह जी जो मैडम को जो है ज्ञापन दिया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में विभाग द्वारा निकाली गई 1.5 गुना पदों का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, 20 दिन के बाद राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है जिससे सभी अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है, ये भर्ती इस महीने में पूरी हो जाती है तो गहलोत सरकार और आपके हम सब पर आभारी रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि नर्सिंग ऑफिसर और एनएम भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी कर आचार संहिता से पहले नियुक्ति देने की कृपया करें। समस्त नर्सेज सियाराम जी डोडवारिया भौदिया, आप देख सकते हो जल्द से जल्द प्रोविजनल लिस्ट जारी कराने को लेकर के जो है संघर्ष समिति लगातार प्रयत्न कर रही है और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो ये कल का अपडेट था। और क्या कुछ कहना है सियाराम जी डोडवारिया का, ये आप देख सकते हो, इन्होंने अब जो है ट्वीट कर ये जानकारी दी है। साथियों आज नर्सिंग ऑफिसर भर्ती एवं स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी करवाने को लेकर आचार संहिता से पहले नियुक्ति देने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग श्रीमती सुप्रा सिंह को मुख्य सचिव समिति, उषा शर्मा जी को व डायरेक्टर श्री सुरेश कुमार जी नवल को ज्ञापन सौंपा गया। सुरेश कुमार जी नवल ने बताया कि ईसीजी नेत्र सहायक और डेंटल वालों की 2 से 4 दिन में प्रोविजनल सूची जारी कर दी जाएगी। 2 से 4 दिन में जो है ईसीजी डेंटल और नेत्र सहायक वालों की जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी, सबसे पहले इनकी प्रोविजनल लिस्ट
आएगी। साथियों राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति वापस एक्टिव कर अपने नेक्स्ट टारगेट प्रोविजनल सूची जारी करवाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होते ही प्रोसेस की ओर तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्वास्थ्य विभाग का घेराव भी किया जाएगा और इनका कहना है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले इन भर्तियों को जो है पूरा करवाया जाएगा और इन बेरोजगार युवाओं को जो है नौकरी दी जाएगी। आज संघर्ष के साथी प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी, प्रदेश संयोजक मयंक अबराज जी, कृष्ण शर्मा जी व अन्य लाल सिंह जी की मौजूद रहे, सियाराम जी डोडवारिया प्रदेश अध्यक्ष। इसी के अलावा आप देख सकते हो इनका कहना है कि अब ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी सीपू में। जिनके ऑनलाइन फोरम में जो भी समस्या रही हो वो अब 13 सितंबर से 19 सितंबर तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। विभाग अब ये लास्ट मौका दे रहा है, उसके बाद 25 से प्रोविजनल सूची जारी करना शुरू कर देगा। साथियों ये सूचना सभी के पास पहुंचा दो जिससे कोई भी साथी करेक्शन करने से वंचित नहीं रहे, क्योंकि फिर इनकी वजह से भर्ती लेट हो सकती है। इसी के अलावा आप देख सकते हो ऑनलाइन पोर्टल कल 13 सितंबर से यानी आज से 19 सितंबर तक सभी कैडर के लिए ओपन हो रहा है। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया हो, किन्हीं भी कारण से नाम नहीं आया हो, फॉरम आपका पेंडिंग दिखा रहा हो, कैटेगरी आपने गलत भर दी हो, इंटर्नशिप के मार्क्स नहीं जोड़े हो, कोविड वाले ऑप्शन में कोई त्रुटि रह गई हो या अन्य कोई मार्क्स बनने में कोई भी त्रुटि रह गई हो, वो साथी ऑनलाइन आवेदन सही कर लेना, उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। बताना चाहेंगे डीवी लिस्ट में आपका नाम नहीं आया हो या प्रतिशत ज्यादा थे फिर भी नाम नहीं आया हो, आपका फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा हो, इंटर्नशिप के मार्क्स आपके नहीं जुड़े हो या कोविड के ऑप्शन में आपसे कोई त्रुटि रह गई हो या अन्य कोई मार्क्स बनने में आपसे त्रुटि रह गई हो, तो उन सबको जो है लास्ट मौका दिया गया है। सियाराम जी डोडवाड़ी आप देख सकते हो ये जो है सीफू ने जो है कल ये जारी किया है। आज कल नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के आवेदन हेतु ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत करने बाबत, या आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पर कहा है नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक के पदों पर अलग अलग विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें जो है आप जो है परिवेदना दे सकते हो, इंटर्नशिप या जाति वर्ग या अनुभव में जो भी आपकी त्रुटि रही हो उसके द्वारा जो है आपको जो है ऑनलाइन जो है आप परिवेदना दे सकते हो। पहले ये ऑफलाइन ली जा रही थी, अब ये परिवेदना ऑनलाइन कर दी गई है। ठीक है, अब इस पोर्टल के माध्यम से ये आप देख सकते हो ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जा रहा है। 13 तारीख से 19 तारीख तक जो है आप ऑनलाइन सीफू की जो साइट है वहां पर जाकर के ये जो है परिवेदना, ये रही सीफू की ऑफिशियल साइट है और ये ओपन भी हो चुकी है, आप जाकर के जो है परिवेदना दे सकते हो। कौन कौन परिवेदना दे सकता है उन सबको लेकर के हमने आपको बता दिया है। और इसी के अलावा दोस्तों ये रहा जिनका फॉर्म पेंडिंग रह गया था उनके लिए, ये रहा अलग से यहाँ पे जो है दोनों लिंक जो है सीफू के द्वारा ओपन हो चुकी है पेंडिंग वालों के लिए या जिनको परिवेदना देनी है उनके लिए। सबकी जो है अगर आपको फिर भी कोई समस्या रह रही हो तो इन नंबर पे जो है आप संपर्क कर सकते हो। सक्सेस स्टेटस प्राप्त नहीं हो रहा तो ये आप जो है हेल्पलाइन नंबर है सीपू की, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसी के अलावा दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हो, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं चिकित्सा विभाग की भर्ती के कट ऑफ में काफी उछाल देखने को मिला है, उसी को लेकर के क्या कुछ कहना है विभाग का। चिकित्सा विभाग की ओर से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफ सहित अन्य 7 पदों पर हो रही सीपू की कराई जा रही भर्ती, इनमें कई श्रेणी के भर्तियों में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने बंपर आवेदन लगा दिए। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के 1.5 गुना की कटौती में काफी उछाल आया है। हालांकि सीपू ने बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कराने का आश्वासन दिया है और कटौती जो है और भी डाउन जाने को लेकर के जो है
वार्ता हुई है। तो ये अपडेट था दोस्तों, कट ऑफ को लेकर के काफी उछाल देखने को मिला था, क्योंकि इसमें बाहरी राज्य के और फर्जी अभ्यर्थी काफी कुछ थे, अब इनको जो है बाहर किया जाएगा, तो उसके बाद ही जो है आगे की प्रोसेस जो है देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आपको जो है आपका फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा हो, या आपके इंटर्नशिप के मार्क्स नहीं जुड़े हो, या कोविड के ऑप्शन में आपसे कोई त्रुटि रही हो, या अन्य मार्क्स आपसे भरने में त्रुटि रही हो, डीवी लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया हो, प्रतिशत ज्यादा थी, तो इन सबको जो है एक और मौका दिया गया है सीपू के द्वारा। यानी कि आपकी कोई भी समस्या हो तो आप परिवेदना दे सकते हैं सीपू को, फिर सीपू उसका हल करेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।